नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेघराज के रामबाग टोटके में। मित्रों, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा कन्या है जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो, कई बार ऐसा देखा गया मित्रों कि कन्या के विवाह में या किसी लड़के के विवाह में देरी हो जाता है, पढ़ा लिखा रहता है, लड़कियां सुंदर भी रहती है, सुशील रहती है, सब सर्वगुण संपन्न होते हुए भी विवाह में बाधा आती है या किसी भी लड़कों का शादी नहीं लगता, ऐसे दोनों में हो सकता है। तो मित्रों, इसका एक कारण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बृहस्पति ग्रह का कमजोर होना। जी हाँ मित्रों, कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह का कमजोर है दशा, तो मित्रों इसमें विवाह में विलंब जरूर आता है। या कोई भी कारण हो जिस कारण से भी विवाह में विलंब हो रहा हो, कोई बाधाएं हैं, इस बाधाओं को कैसे हटाना है मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक आसान सा टोटके बताऊंगा। इस टोटके को करने के बाद निश्चित रूप से मित्रों आपके विवाह में जो आ रही बाधाएं हैं वो हट जाएगा और एक अच्छे जगह आपका विवाह जरूर संपन्न हो जाएगा। तो मित्रों, इस टोटके को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जी हाँ मित्रों, अगर कहीं पर भी चूक होता है तो हमारा टोटका सफल ही होगा। तो मित्रों, टोटके शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा मैं आप सभी लोगों से कि मेरे द्वारा बताए हुए टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे ऐसे ही नई नई जानकारियां नई नई टोटकों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर आर वाला सब्सक्राइब जरूर दबाइए मित्रों, ताकि मेरे द्वारा बताए जो वीडियो है टोटके सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ध्यान से सुनिए मित्रों मेरे इस टोटके को। जिस भी कन्या या जिस भी लड़के के विवाह में बाधाएं आ रही है या विवाह नहीं लग पा रहे, उसे क्या करना है? 11 हल्दी के गांठ ले लेना है। ये मित्रों 11 गांठ हल्दी का लेना है और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन आप उस गांठ को, गांठ 11 गांठ वाली हल्दी को लाल कलर के कपड़े में लपेट लें। लपेटने के बाद आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके समक्ष रख दीजिए। रखने के बाद मित्रों धूप दीप दिखा दीजिए, पीले अक्षत से उनसे स्वागत कीजिए, पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर आप अपने समक्ष देवी देवताओं को निवेदन करें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें वो आपको सफलता दे। ऐसे करके मित्रों उस लाल कलर के कपड़े में लपेटे हुए 11 गांठ की हल्दी को आप अपने पास रखें, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपने जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको रखना है मित्रों। इतना करते ही देखिएगा आपके घरों में रिश्ता आना शुरू हो जाएगा, या जो भी रिश्ता बनते बनते टूट जा रहा था वो रिश्ता अब जुड़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आप लोग टोटके जरूर करेंगे और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। तब तक लिए मित्रों आप लोग जहाँ भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।